मैडम ये लीजिए, मुझे लगता है कि किसी की कान की बाली का टुकड़ा है, मुझे एक लड्डू में मिला था ये। आखिर ऐसी कौन औरत है जो मल्हार जी को चोट पहुंचाना चाहती है? तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसने भी ये हरकत की है वो एक्चुअली मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो, और उसने लड्डू में कांच के टुकड़े भी इसलिए मिलाए थे क्योंकि शायद उसे लग रहा होगा कि वो लड्डू मैं खाऊंगी, लेकिन फिर ये लड्डू मल्हार जी ने खा लिए। ये सही कह रही हैं आप, हो सकता है ये। हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये कौन औरत है, और ये जो भी है ना, ये नहीं चाहती है कि मैं और मल्हार जी साथ मिलकर हमारे पिल्लू को ढूंढे, और मैं किसी को भी पिल्लू के रास्ते में आने नहीं दूंगी। पवार काका, आपको जो भी और इन्फॉर्मेशन मिले ना, प्लीज मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ओके मैम। अनमोल काका, अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। काका आप तो जानते ही हैं ना, आप कितने बड़े सेवियर हैं। 5 साल पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ उसके बाद अगर मैं आज जिंदा हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से, और आज आपने दोबारा ब्रह्म कमल के रस के बारे में बताकर मल्हार जी की जान भी बचा ली। आप बाहर क्यों खड़े, आप अंदर चलिए, मैं आपको घर वालों से मिलाती हूँ। नहीं नहीं कल्याणी, फिर कभी। दरअसल मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा मल्हार के बारे में तुमसे पूछ लूँ। होश में आने के बाद वो कुछ अजीब सी हरकत तो नहीं कर रहा? नहीं तो क्यों? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है कि कुछ लोगों में ब्रह्म कमल का रस पीने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं 24 घंटों के लिए, जैसे कि भावुकता का बढ़ जाना या फिर फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज्यादा डिमांड करना। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मल्हार जी में तो फिलहाल ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा साइड इफेक्ट्स नजर आए तो तुम उन्हें ये गोली खिला देना, ये खाने के बाद वासना शांत हो जाती है। वासना शांत हो जाती है? अच्छा वाह, साइड इफेक्ट भी क्या चुनकर मिला है ना। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। कौन ये? इसके बारे में मैं मल्हार जी को कैसे बताऊंगी? गणपति बप्पा प्लीज मल्हार जी पे कोई ऐसा वैसा साइड इफेक्ट ना हुआ हो प्लीज। How are you, my dear? लगता है साइड इफेक्ट हो गया। अपनी कहाँ? अपनी तो डॉक्टर के गई है। आओ ना। मैं कल्याणी की हर बात मानूंगा। खुल गया कल्याणी, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया। जानती हो क्यों? जानती हो ये आइडिया क्यों इतना पसंद आया? बताओ। मैं आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ आपके लिए, ये आप खाइए। मैं मल्हार पे कोई दवाई का असर नहीं होता। बनिया आज के लिए बनिया मल्हार जी, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो आपसे रोते हुए कहेगी कि भगवान के नाम में बीज मुझे छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक ऐसा कराटे का चॉप दूंगी ना, हाँ सारी अक्कल ठिकाने आ जाएगी आपकी। हाँ मजाक वो अच्छा था। तुम दूर चली जाओगे तो क्या होगा मेरा? हाँ कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे इंसान होंगे। छोटी छोटी मुझे छोटी
थी 5 साल? कहाँ थी 5 साल? बताया कितना इंतजार किया तुम्हारा, जान निकल गई थी मेरी। कल्याणी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम जानती हो, अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आती तो मैं मर जाता। पता है कितना प्यार करता हूँ, जानती हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ कल्याणी। खोलिए अपना। ये क्या था कल्याणी? ये कल्याणी, चिट्ठी चलिए अंदर चलिए। गेंद को तो टाइट करनी चाहिए। आप देखा बिल्लू, तेरे बाबा को 1 सेकंड के अंदर ठीक कर सकती हूँ मैं। सब बहुत हो गया यार बिल्लू, मिल जाना, बहुत याद आ रही है तेरी। मैडम पवार भाव, आप यहाँ? ये मल्हार सर को दे दीजिएगा प्लीज। ये सीडी किस चीज की है? ये वो मल्हार सर और कल्याणी मैडम मोक्ष बाबा की तलाश में जो त्रिलोक के घर पे गए थे ना, उसी का सीसीटीवी फुटेज है। पवार भाव, ये सीसीटीवी फुटेज कल्याणी ने देखा है क्या? नहीं, तो अभी तक तो किसी ने नहीं देखा इसको। ठीक है, मैं दे दूंगी। थैंक यू। अच्छा हुआ मल्हार घर पे नहीं है। तो इसका मतलब उन मिठाइयों में कांच का टुकड़ा तुमने डाला था। कितनी बेशर्म हो, फिर से मेरे घर में आ गई। तुम्हें पता है वो जो मिठाइयों का डब्बा है ना, जिसमें से मल्हार जी ने मिठाई खाई थी और उन लड्डू में कांच था, उसमें से मुझे कुछ और भी मिला। तुम्हारे ही झुमके का टुकड़ा है ना। तो
उसका मतलब उन लड्डुओं में कांच के टुकड़े तुमने मिलाए थे और तुम जो ये सीढ़ी तोड़ रहे थे ना, ये कोई सीसीटीवी फुटेज का सबूत नहीं था। ये तो बस मेरा एक प्लान था अपनी, जिस प्लान में तुम फंस गए as expected, क्योंकि तुम ये सीडी डिस्ट्रॉय कर रही थी और सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी, इससे साफ साफ जाया हो गया है कि मिठाइयों में कांच के टुकड़े तुमने मिलाए थे अपनी। क्यों किया तुमने? क्यों? हाँ, मैं नहीं किया था, मैंने ही कांच मिलाया था लड्डुओं में। हाँ मैंने मिलाया था, पर तुम्हारे लिए मिलाया था। मैं चाहती थी वो लड्डू तुम खाकर मर जाओ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, बहुत नफरत करती हूँ। पर गलती से वो लड्डू मल्हार ने खा लिए। मुझे पता है तुम्हारा और मल्हार का अफेयर चल रहा है। मुझे हमारे बेड से तुम्हारे इयररिंग मिले थे, मैं नहीं सहन कर पाई। मैं क्या करती? मैं मल्हार को बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं बांट सकती हूँ उसे किसी के साथ, तुम्हारे साथ भी नहीं। पर उस दिन जब मल्हार ने खुद ही बोल दिया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तो मैं उसे सच भी तो नहीं बता सकती थी ना। वो मुझे छोड़ देते, अभी भी तो तुम जाके बता दोगी और मल्हार मुझे छोड़ देंगे, फिर पता नहीं मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे का क्या होगा? उसे उसके पापा का प्यार भी नहीं मिल पाएगा। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अभी अब अभी क्या हुआ? अभी अभी दर्द हो रहा है, रुको रुको, बैठ जाओ, बैठ। क्या हुआ? कुछ नहीं, एहसान की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मुझे जेल भिजवा सकती हो, पर तुम तो इस बात का है कि मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को भुगतनी पड़ेगी। तुम ठीक हो ना? हाँ, गिर गई थी क्या? मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अब नहीं, रुको 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 रुको, पानी पियो पानी पियो पानी पियो। तुम फिक्र मत करो, चोट लग गई क्या? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लिए चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, तुम प्लीज डॉक्टर को यही बुला लो। मुझे पता चल गया है लड्डुओं में कांच किसने मिलाया था। किसने? सब सच पता चल गया मुझे। उस दिन उन लड्डू में कांच इसलिए था क्योंकि क्योंकि दुकान में एक बल्ब फूट गया था और जो बल्ब फूटा था उसके कांच के टुकड़े गलती से आके मिठाइयों के डब्बे में गिर गए थे। वरना मुझे लगा था कि इस दर्द के नाटक का कल्याणी पर कोई असर होगा भी या नहीं। पर मैंने उस दुकानदार को वार्निंग दी है, स्ट्रिक्ट वार्निंग। उस मिठाई वाले को तो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो कल्याणी। फिलहाल मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। थैंक यू कल्याणी, तुमने जो मेरे बच्चे पे उपकार किया है उसके लिए। अवनी, मैं तुमसे कभी मल्हार जी को छीनना नहीं चाहती। हाँ, मेरे और मल्हार जी के बीच अब भी बहुत प्यार है, पर मेरा और मल्हार जी का जो रिश्ता था वो हमारा बीता हुआ कल है और मल्हार जी का आज तुम हो। मैं मल्हार जी से आज तक इसलिए सिर्फ मिलती हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में मिलकर हमारे बच्चे को ढूंढना चाहते हैं और इसके अलावा हम दोनों के बीच में और कोई रिश्ता नहीं है।
राजा भैया, देवा परमेश्वरा, हाउ साहब, कहीं मेरी बेटी को जेल तो नहीं हो जाएगी ना? हाँ बोलिए ना। हमारे सामने ये नाटक मत करो, समझी ना? हाउ साहब क्या कर रही है आप? ये असली वाला सलाइन है। एक बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? गोदावरी देशमुख खानदान का खून है, हम उसे ऐसे कैसे जेल जाने देंगे? बराबर है, लेकिन साहब माई तो रानी परिवार की बहू है ना, और अब तो वो वकील भी बनने जा रही है, हो कि नहीं? तो कहीं देशमुख के साथ इस जंग में रानी परिवार की जीत ना हो जाए। सुबह जो हुआ कोई बात नहीं है, सब ठीक है, रिलैक्स। क्या बोल रहे हैं आप? किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे भी ठीक से याद नहीं है, मैं थोड़ा नींद में था। मुझे भी ठीक से याद नहीं है, तो सो इट्स ओके, जाने दो। हाँ वो एक्चुअली मैंने वो इंटरनेट पे चेक किया था, वो बुरहम कमल फूल सूंघने की वजह से वो बॉडी से वो शारीरिक जरूरतें बढ़ जाती है। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ कहा ही नहीं, रिलैक्स हो जाता है। एक सेकंड। एग्जैक्टली गलती मेरी है भी नहीं तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वियर्ड बिहेव आप कर रहे थे, मैं नहीं। मैं वियर्ड बिहेव? हाँ। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कल्याणी। आपको कुछ याद इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको दवाई दी थी जो डॉक्टर ने मुझे दी थी आपको देने के लिए, ताकि आपकी वास्ता। यानी वो वैशी दरिंदे वाली हरकत मैं कर रहा था और मैं सोच रहा हूँ कि कल्याणी मेरे साथ। ये सही है, वो बहुत फनी बिहेव करते हैं और सारा इल्जाम मुझ पर डालते थे। ऑर्फनेज जाना है ना मोक्ष के लिए? हाँ हाँ, और आई के पासपोर्ट साइज फोटोज भी तो चाहिए हॉल टिकट के लिए। जाओ जाओ जाओ। आई आई खड़े जाओ, बैठो ना इधर, बैठ जाओ। एक मिनट दादा, आप प्लीज थोड़ा सा जल्दी करेंगे? देखिए उनको पढ़ाई करना है, उनका कल एग्जाम है, अब ये सब सुन रहे हैं आप? क्या सुनाई नहीं आ रहा? क्या बोल रहे हैं? इतनी देर से हम यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ बैठ के समोसा खा रहे हैं? कल्याणी, ये बात बात पर लड़ना जरूरी है क्या मल्हार को? समझाओ ना। क्या ही बोलूं भाई, रुको। मल्हार जी छोड़िए इसे। मल्हार जी, क्या अभी बात बात पे गुस्सा? एक सेकंड, मैं बात कर रही हूँ ना भाई साहब। देखिए हमें ना थोड़ा सा साहब, वो फोटो बच्चे के साथ है तो माँ बाप ही होंगे ना? अरे बच्चे के माँ बाप हम दोनों हैं, आप बताइए ये दोनों कौन है? बताइए ना ये मलाजी, इसकी कोई डेट लिखी है ना? जुलाई? ये तो ब्लास्ट की एक साल बाद की डेट है, ब्लास्ट हुआ था अगस्त में और ये जुलाई की डेट है। इसका मतलब यानी कि ब्लास्ट की कुछ तकरीबन एक साल बाद की फोटो है ये।
भैया ये फोटो आपने क्लिक करी है ना, आपके स्टूडियो में क्लिक की गई है, आपकी बस कोई इन्फॉर्मेशन होगी इस बच्चे की, ये फोटो की, लैपटॉप चेक करिए आप अपने। देखिए चेक कीजिए ना, आपके पास कुछ तो मैडम उनका नाम जिसने फोटो खिंचवाए थे, और हाँ इस बच्चे के और भी फोटो खींचे गए थे। I'm not doing it.